नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। शहर की बेसकीमती जमीन बिल्डरों को दी जा रही है। विकास के नाम पर बरसों से बसे लोगों को हटाकर अपने चहेतों को आवाज़ देकर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। ताज़ा मामला बीहर रिवर फ्रंट का है, जहां विकास के नाम पर वर्षों से बसे लोगों को बेघर कर ठंड में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दरअसल मामला घोंघर पचमठा का है, जहां मंदिर के पास 3 दशक से रह रहे परिवारों का आशियाना उजाड़ दिया गया, जो कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे अब रहने को मजबूर हैं। आइए आपको दिखाते हैं कड़कड़ाती ठंड और बारिश के बीच गिराया गया आवास और सुनाते हैं पीड़ितों को कि उनका क्या कहना है। इनको मिलना चाहिए घर, जैसे सबको मिला है तो इनको भी मिलना चाहिए। और सरकार से हमारी गुजारिश है, ये कई बार मैं जब से आया हूँ तब से यहाँ रह रहे हैं, तो इनको मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक उपाध्याय। वो घर गिराया गया है। हम लोगों के यहाँ मतलब जब से जानने लायक हुए, मतलब हमारे पापा जी जब लेके आए थे उनको यहाँ, तो हम 2.5-3 साल के थे, तब से रह रहे हैं यहीं पे। और करीबन हो गया 27-28-30 साल हो रहे हैं रहते यहाँ। और बरसात में पानी रहने, मतलब बरसात में क्या है, सोने होने की जैसे पानी नहीं जाता, भर जाता है अंदर, तो समस्या हो जाती है बैठने उठने बैठने में। और ठंडी में रहेगा, ठंडी के तो ठंडी में भी ठंडी बहुत पड़ती है, और अंदर बस वही गीलापन गीला रहता है, पानी नहीं रहता है। वहाँ जी हमारे आश्रम में 2002 में मैं आया था यहाँ पढ़ने के लिए, तब से यहाँ पर खेती का काम करते थे और अभी भी यहीं पर रहते हैं, और इनको आवास यहाँ पर नहीं मिला है जो इनको मिलना चाहिए। इनका घर गिरा दिया गया है। हाँ, कल इनका घर JCB के द्वारा गिराया गया है। तो ठंड और बारिश में ये कैसे अपना अभी तो संस्था प्रमुख जाने और यहाँ के जो ऋषिकुंज आश्रम में बहुत दिन पुराने से रह रहे हैं। स्वामी ऋषि कुमार के ज़माने में मैं रह रहा हूँ, और यहाँ रहते रहते हमको यहाँ बीत गया। सब्जी भाजी मैं लगाता था, इनको भी देता था, अपना भी पेट पालता था। लेकिन यहाँ अब जो घर गिराया जाके वो बनी है कि अब घर गिरा रहे हैं, यहाँ शासन जो है तो घर गिरवा रहा है। तो जो हमसे अभी नए में आए उनको मकान दिया जा रहा, मिल गया उनको मकान, और हमको मकान नहीं मिला, इसलिए कि मेरा सामान जो है तो निकलवा दिए हैं और मैं घर में बेघर हो गया हूँ। इधर से हमारे पास घर नहीं है, सब जे अभी आए हैं उनको घर मकान उनको मिल गया है, और हमको देने से अभी कोई उम्मीद नहीं है कि हमको भी मिल जाए। बारिश और ठंड में कैसे दिन काट रहे हैं? बारिश ठंड में वैसे ज़मीन में लेटते थे, बैठते थे, उठते थे, देखने वाला कोई नहीं था। हैं, आदमी को तबीयत गड़बड़ हो जाती थी तो कोई देखने वाला नहीं था। मैं स्वामी जी ऋषि कुमार का मैं सेवा करते इतने वर्ष बिता चुका हूँ, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। और महाराज जी ये आए हैं नए में, विजय शंकर जी, तो उन्होंने कुछ मतलब हमारे ऊपर सहायता नहीं। ये घर कौन गिरवाया है, क्या किसकी तरफ से? ये शंकर ब्रह्मचारी जी गिरवाए हैं घर, और यहाँ काम चल रहा है तो हो गया, शासन का काम है तो गिरा दिए, तो सब कुछ शुद्ध कर दिया गया, घर मकान उनको दूसरा मिल गया है, वो खाली करवा कर दूसरा मकान उनको दे दिया गया। लेकिन हमको कोई उम्मीद नहीं है, बोलते हैं कि तुम्हारा मकान बन गया, लेकिन बना का 4 कमरे बने थे, तो मैंने लड़के बच्चों की शादी ब्याह किया तो लड़का पिताऊ भर कहाँ, लेकिन हम कहाँ रहे, हमारे पास कोई साधन नहीं है। नाम बता दीजिए अपना। नाम राम लखन कुशवाहा, पचमठा घोघर मथुरा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।